दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब इसके आगे का एक सूत्र भागवती जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय, कि दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं, यह है सीधा सीधा सूत्र। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो बागवती जी ने बताई है, 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ हैं। 103 वस्तुएं, जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दूध और प्याज साथ में खाया तो बीसियों बीमारियां आने ही वाली हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की, आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी, अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल, कटहल को क्या कहते हैं, कटहल समझते, जैक फ्रूट, दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज। एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई, तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है, दूध के साथ जानी दुश्मन है। भागवत जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है, यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं है। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, वैसे तो आप जैन हैं तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूं, तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं। दुनिया का सबसे खराब जहर है ये, शहद और घी। शहद घी साथ में ना खाएं, शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल, वैसे तो मैंने कल बोला था द्विदल, द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते। उड़द की दाल के साथ, दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है, तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, तो मैंने कल कहा था कि ये भी द्विदल में है, दही तो ना खाएं, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। भागवत जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं, भागवत जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22-25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं, उड़द की दाल और दही, उड़द की दाल, तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है
तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं, उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने। आप अपना तो नाश करेंगे ही, आने वालों का भी नाश करेंगे, और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है, मैंने तो आपको चार पांच चीजें बताई हैं, विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं। वो सूची ये कहती है 103 वस्तुओं की, ये चीज इसके साथ ना खाएं, ये चीज इसके साथ ना खाएं। तो बागवत जी कहते हैं दो विरोधी चीजें साथ में ना खाएं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोग के जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।